एजुकेशन जी बेसिकली हर चीज़ में हेल्पफुल होती है, अगर आप उसको बेसिकली आप डीप जाएं, आप जिस मटेरियल को आप लाइक करना चाह रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं, उसकी थोड़ी रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद देखें कि वो आप उसमें पॉसिबल है वो जो वर्क आप करना चाह रहे हैं। एजुकेशन का जो जहाँ तक रोल है वो हर चीज़ में है। बेसिकली मैं भी पहले मैं लाइन कुछ और चूज़ करना चाह रहा था, हार्डवेयर इंजीनियरिंग मैंने की कंप्यूटर में, और उसमें करने के बाद मुझे उसमें इतना नहीं स्कोप नज़र आया। मैंने कहा कि ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है, सब कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, अपने आप को कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ वर्क करें कि जो कि आपको मनवाए कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने पाकिस्तान में रह के ये चीज़ डिफरेंट की। तो उस हिसाब से मैंने ये चूज़ करके वर्क पे यहाँ पे बेस बना के आगे चला, और इंशाल्लाह बहुत कुछ है इस फील्ड में। बेसिक इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि एक तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो जितने भी वर्क करने वाले हैं उनको सपोर्ट नहीं करती, और अगर इसके अगेंस्ट आप देख लें चाइना में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और ऐसी ये है कि उनको ना तो वो प्रोडक्शन में कोई मसला, ना उनको कोई ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो वो पे करते हैं, कोई मसला नहीं है उनको। इलेक्ट्रिसिटी उन्हें फ्री की गई है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला, हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे टैक्सेस लगते हैं, वो सपोर्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि जो हमारा काम यहाँ पे जो काम करने वाले लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इशू है कि जिस पे वर्क करना चाहिए सबको, कि अगर जो भी काम अच्छा कर रहा हो उसे अप्रिशिएट किया जाए। 75% जो सी है वो डिज़ाइनिंग मैं खुद करता हूँ। इसमें ये होता है कि जो भाई हमारे एनसी में आतिफ वो होते हैं साथ, और काशिफ भाई हैं और वासिफ भाई, सब मिलके हम भाई उस पर आपस में डिसीजन लेते हैं कि ये जो थीम पे सोचा जा रहा है ये ठीक रहेगा। ये डिज़ाइनिंग सारी जो हम करते हैं आपस में वो हमारा अपना डिज़ाइन होता है, और इसमें किसी को फॉलो करना वो तो नहीं करते। इसमें आपको चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी कि जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पहले नहीं देखी होंगी। हमारे अपने डिज़ाइन जो किए होते हैं वो देखिए, बेसिकली आप मटेरियल में जितना इंजॉय करते हैं मटेरियल अपना रास्ता खुद आपको बताता है। आप उसको जब शेप दे रहे होते हैं वो खुद कह रहा होता है कि मुझे इस तरह नहीं, अब इस तरह की शेप दे के देखो मैं कैसा लगूंगा। जब आप उसे चेंज करके देखते हैं तो वो खुद बताता है कि मैं अब ये डिफरेंट हूँ। वो आपके हाथों में चीज़ अगर कोई डिफरेंट हो रही है तो वो कुछ देखने वाला कह दे कि ये कॉपी है किसी का, ये किसी को देख के फॉलोअप किया गया। वो बातें अगर वो करता है कोई तो वो कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। पर हमारा बेसिक ये होता है कि आप डिफरेंट टच दे के और ऐसी चीज़ क्रिएट करें कि जो कि पहले रिपीटेड ना हो। हमारा जो सोचा जाता है इसके ऊपर वो ये चीज़ बेस ये होती है कि वो डिफरेंट हो, उसे फेडअप नहीं होना चाहिए। वो ये ना कहे कि जी मैंने ये स्टेप उठा लिया है इस पे, पता नहीं उसमें मेरे साथ क्या बिहेव होएगा, मुझे इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसमें ये इतना कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ। तो जब ये आदमी सोच ले खुद, तो मेरा ख्याल है कि ऊपर अल्लामिया भी उसकी मदद करते हैं कि जी ये जो कर रहा है बंदा इसका मैंने हेल्प करनी है। तो ये कुछ काम ऐसे हैं कि अगर आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली हैं तो आप उस गिफ्ट को अच्छा यूज़ करें। उसके साथ आप ये नहीं होना चाहिए कि आप फेडअप हो जाएं। संडे को नॉर्मली ये होता है कि 1-2 बजे उठा जाता है और साथ 1-2 बजे उठ के नाश्ता किया जाता है रिलैक्स होके टोटली, क्योंकि वही दिन होता है कि आप टोटली आप वीक का जो है आप जो स्ट्रगल में रहते हैं उसी को आप संडे को ही आप रिलैक्स होके इंजॉय कर लेते हैं। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और उनके साथ ही टाइम सारा गुजरता है। म्यूज़िक मुझे लाइट म्यूज़िक बहुत पसंद है, जो ज़्यादा शोर हल्ला गुल्ला मुझे पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादा जो मज़ा आता है जाके वो मरी में है, वहाँ पे जो ग्रीनरी जो हमारा नेचुरल ब्यूटी को जो आप लाइक करते हैं वो चीज़ ही कुछ और है कि आप नेचर को डीप जाके देखें खुदा ताला ने कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें बनाई हुई। वो खुद ही आपको रास्ते दे रहा होता है कि यार इस चीज़ को देख के इंस्पायर तो नहीं हो रहा कि ये देख इसमें मैंने क्या चीज़ बना दी। फ्यूचर प्लान में ये है कि जी इंशाल्लाह बिज़नेस को और अच्छा करने का है, और इसमें
बहुत कुछ होने वाला है एक्रेलिक लाइन में, अगर आप एक्रेलिक में चलते हैं। और मैं आगे मेटल्स में भी कर रहा हूँ कि ऐसा इंट्रोड्यूस करूँगा मेटल्स को कि जो कि डिफरेंट टच होगा। मैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें तो ये एडवाइस करूँगा कि जितना आप सन्सियर हो के इस फील्ड में आएंगे और जितना इसके बारे में सोचेंगे, जितना इसके साथ सीरियस होंगे, उतना ही आपको एडवांटेज ये खुद देगी। इसको छोड़ें, किसी लाइन में भी चले जाएं, आप जितना सन्सियर होते हैं जिस फील्ड में उसका रिजल्ट आपको मिलता है, तो इसी तरह इसमें भी मिलेगा इंशाल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि जी ये पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, और आप उसकी आपकी लगन, आपकी मेहनत उसमें इन्वॉल्व होती है। जितना आप मेहनत करते हो, जितना आप लगन से काम करते हो, वो आपका वो खुद ही बता देता है काम के मेरे पे इतना टाइम लगा हुआ।